साथ ही हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों आदि संगठनों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई थी। मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों को का संबंधित विभाग से परीक्षण करवाकर इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई कर यथासंभव बजट में समावेशित किए जाने का प्रयास किया है। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में हमें पूरा समर्थन प्राप्त होगा। बहुत आवश्यक है, आप बार बार कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे, हम करवाएंगे, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। आप चिंता ना करें, हम पूरी तरह से प्रयास ही नहीं करेंगे, ये करके दिखाएंगे। जो घोषणाएं की हैं, वायदे किए हैं, उनको पूरा करेंगे। और जो हमने जो भी जिसका भी शिलान्यास होगा कार्य का, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, ये सरकार वो करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं वर्ष 2024-25 के लिए जो हमने 4,95,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसका आकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से 1,04,611 करोड़ रुपए अधिक है। चर्चा के दौरान राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट घोषणाएं किस प्रकार से धरातल पर आएंगी, इस पर चिंता व्यक्त की है। और वो चिंता तो बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ खजाना खाली करके चले गए। लेकिन मैंने जैसे कहा, वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से होगा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूर्ण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। माननीय सदन को बजट भाषण के अंतर्गत मेरे द्वारा इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया जा चुका है। मैं यहाँ पुनः याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे द्वारा ये त्वरित गति, जो कि 2 महीने से अधिक चुनावी आचार संहिता में, क्योंकि आचार संहिता थी और 2 महीने आचार संहिता में गए, उसके बावजूद भी ये गति हमने सुनिश्चित की है। हम इसी प्रकार आगे भी पूर्ण तत्परता से निरंतर कार्य करते रहेंगे। राजाखेड़ा, रानीवाड़ा, डूंगरपुर व लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा राज्य